नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अज के इस खास शो के। अज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उन्हां स्टूडेंट वास्ते जेडे स्टडी वीज़ा लई हजे अप्लाई करन दा सोच रहे ने। अज के शो के एक्सपर्ट्स तो जानने की कोशिश करांगे कि स्टूडेंट्स किहड़े पैरामीटर्स नाल डिसाइड करन कि उन्हां नूं किहड़े कंट्री दे विच स्टडी अब्रॉड लई जाना चाहिए। गलबात करन लई मौजूद ने वीज़ा ऑफिस के मैनेजिंग डायरैक्टर रणजीत सिंह पल। रणजीत जी स्वागत है। नमस्कार जी। रणजीत जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अज का कि स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड का अपना फैसला लैन लगे किहड़े पैरामीटर नाल डिसाइड करन कि उन्हां नूं किहड़े कंट्री च जाना चाहिए। इहदे जवाब तो पहला मैं चाहूँगा तुसीं इह वी दसो कि स्टूडेंट ऑलरेडी डिसाइड किवें करदे ने। दीपक जी, जेड़े तो पहला अगर मैं डिसाइड करने की गल करा तो स्टूडेंट मैक्सीमम डिसाइड करते हैं कि साडा रिश्तेदार कित्थे आ। सो ये पहला बच्चे का होंगे कि मेरा रिश्तेदार कैनेडा जा, मैं इसलिए कैनेडा ही जाना। बट जो मैं एडवाइस बच्चे कर दिना कि सिर्फ रिश्तेदार देख के नहीं आप, क्योंकि रिश्तेदार जेडे वो सारा टाइम तो नहीं संभाल सकते, तो इंडिविजुअल होकर उत्ते काम करना पैना या अपने अगे जो भी स्ट्रगल ने इंडिविजुअल बेस से जो हैंडल करने। सो रिश्तेदार अगर है वैल एंड गुड है किसी कंट्री, बट जो कंट्री चूज करनी है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ने। सब तो पहले ने बच्चे नूं अपनी एलिजिबिलिटी देखनी पैंदी है। सो कई बार की होंदा है कि बच्चा कंट्री वास्ते एलिजिबल नहीं हो रहा। स्पोर्ट्स करो कि आप जे गल करिए तां बच्चे ने आस्ट्रेलिया जाना है, बच्चे के परसेंट वाइज स्कोर घट होंदा है, बच्चा जेड़ा आस्ट्रेलिया एलिजिबल नहीं होंदा, लेकिन बच्चा की कहता कि मैं जी आस्ट्रेलिया जाना क्योंकि मेरा रिश्तेदार उत्थे है। एक कंसल्टेंट मना करता, दूजे को जाता, तीजे को जाता। सब तो पहला जो कंट्री चूज करनी है पहला देखो कि तुहाडी एलिजिबिलिटी केड़ी केड़ी कंट्री वास्ते बनती है। पहला एलिजिबिलिटी आइडेंटिफाई करो कि तुसी सारे कंट्री लई एलिजिबल हो, जेड़े अच्छे प्रोफाइल होंगे ने जिन्हां दे 60% तो उपर ने, आयल्स जो बैंड भी गल करिए 6 ने जां इस तों उपर ने, गैप नहीं हैगा तां ऑलमोस्ट तुसी हर कंट्री लई एलिजिबल। जे तुहाडा इदां दा प्रोफाइल है तुसीं अपनी कंट्री पहला डिसाइड कर सकदे हो। जे प्रोफाइल इदां दा नहीं आ, फॉर एग्जाम्पल तुहाडा परसेंट वाइज लो स्कोर है, तुहाडा आयल्स दा स्कोर 2.5 है, ओवरऑल 6 है, तां तुसीं वैरी ओबियसली कैनेडा दा वीजा लगाओगे तां रिफ्यूजल आएगी, लेकिन आस्ट्रेलिया च तुहानूं वीजा मिल जाएगा, तुहानूं यूके च वीजा मिल जाएगा। सो जदों कंट्री डिसाइड करनी है पहला अपने प्रोफाइल नूं समझो, तुहाडा प्रोफाइल किस कंट्री लई एलिजिबल है, उस तो बाद तुसी जिहड़ी है कंट्री डिसाइड करके एप्लीकेशन लगा सकते हो। जे ड्रीम कंट्री तुहाडी कोई तुसी चूज कीती है, एलिजिबिलिटी तुसी मैच नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल आपां कैनेडा दी एग्जाम्पल लैने, बैंड कट है, तुसी जिहड़ा वीजा रिफ्यूजल आना तुसी अप्लाई नहीं कर सकते, तां उस नूं इंप्रूव करो। अगर कैनेडा की रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6 है, 1.5 जे प्लस 2 की है, तो तुम उस गेन करके फाइल लगा सकते हो। सो एलिजिबिलिटी देखो, उस तो बाद कंट्री का देखो या रिश्तेदार, उस तो बाद डिसाइड करो जहाँ तुम उस कंट्री लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। जे नहीं तो जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वीजा चाहिए, कोई फायदा नहीं उस कंट्री का वीजा अपलाई करना जिथे तो वीजा नहीं मिलना। सो इन चीजों का ध्यान रखो, तो कई बार गैप ज्यादा बढ़ जाता है, सो तुम आस्ट्रेलिया भी वीजा नहीं देगा, तुम कैनेडा भी वीजा नहीं देगा। गैप वाले स्टूडेंट जो प्रेजेंट सिनेरियो की गल करिए, यूके वीजा दे रहा, कैनेडा रिफ्यूजल वाले भी जो यूके वीजा दे रहा। सो इदा के जो सिनेरियो ने चेंज होंगे रहते हैं, चीजा जीडिया एक वधिया कंसल्टेंट ही गाइड कर सकता, क्योंकि साडे को जेडे भी स्टूडेंट आते हैं असं प्रोपर स्टूडेंट का इंटरस्ट भी पुछते हैं, एलिजिबिलिटी भी असं खुद देखते हैं, फिर बच्चे सलाह दे दी है कि तुहाडी एलिजिबिलिटी इस कंट्री की बनती है। सो इन्हां जो तुसीं डिसाइड करो जे वीजा लेना चाहते हो। हाँ, जे उस कंट्री कोई एलिजिबिलिटी का ऑप्शन अगर दिखता है कि बच्चा अगर कुछ इंप्रूवमेंट करता है जो कंट्री उसकी ड्रीम कंट्री है, तो असीं वैरी ओबियस है कि प्रैफरेंस यही रखी दी है कि जो बच्चे की ड्रीम कंट्री है उस कंट्री को ही प्रैफर किया जाए जे बच्चा एलिजिबल है। सो ये कुछ पॉइंट ने, तुसीं एडमिशन तो पहले इन्हां चीज़ों का जरूर ध्यान रखो, एंड एलिजिबिलिटी जी सब तो मस्ट है। वीजा आऊगा तो तुसीं उत्थे जाओगे, वीजा एप्लीकेशन लगाना ही सब कुछ नहीं होंदा, वीजा गेन करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है, वीजा आऊगा ता ही तुसी उत्थे पहुंचोगे। सो इन चीजें का जरूर ध्यान रखो, एंड कोई होर क्वेरी है तुसी साडी टीम नूं कंटैक्ट कर सकते हो 90410 90410 जी। दे सो दोस्तों, कंट्री सिलेक्ट करन लगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंदे ने जिन्हां नूं वेखणा हुंदा है। एज ए स्टूडेंट शायद तुसी उह सारे एस्पेक्ट्स नूं ना समझ सको, इसे करके एक एक्सपर्ट काउंसलर की जरूरत होंदी है। सेम विद कोर्स सिलेक्शन भी, क्योंकि कोर्स मिसमैच भी कुछ कंट्रीज दे विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुंदा है। सो बेहतर है कि अपना डिसीजन लैण तो पहला जे तुसी एक काबल जिहड़े काउंसलर नूं सलाह लो, वीजा ऑफिस नूं तुसी इस वास्ते सलाह लै सकदे हो, कॉल कर सकदे हो। धन्यवाद। नमस्कार।